दोस्तों आज मैं आपको ऑनलाइन के एक इतने बड़े फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं जो हिंदुस्तान में या आउट ऑफ इंडिया से बाहर भी लोग करते हैं, पर 90% ऐसे लोग हैं जिसको इसके बारे में पता नहीं होता है। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, पर मैंने गूगल पर पढ़ा और इसके बारे में जानकारी ली, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा फ्रॉड है जो कई सारे लोग करते हैं पर वो बताते नहीं हैं क्योंकि ये दिखता ही नहीं है और ये सबसे बड़ा एक क्राइम है। जिसको आता है वो कभी नहीं करेगा, पर जिसको सिर्फ नॉलेज होती है, जो सिर्फ सिखा रहा है या बता रहा है, वो लोगों को पागल बनाकर पैसे कमाते हैं। मैं आपको आज की वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं क्योंकि जो भी मैंने गूगल से पढ़ा है, जाना है, देखा है, सुना है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही है कि मैं आप लोगों को अलर्ट करूं और आप लोग ऐसे काम में ना फंस जाओ, और अगर फंस जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों इस फ्रॉड का नाम है कार्डिंग। अब कार्डिंग आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। कार्डिंग का मतलब होता है कि कार्ड होता है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उस कार्ड से शॉपिंग करना, उसी को कार्डिंग कहते हैं। कि किसी भी अननोन पर्सन का क्रेडिट कार्ड अगर हमारे पास है तो हम उसके क्रेडिट कार्ड को हैक करके अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से और भी कई ऐसी वेबसाइट हैं, वहां से हम शॉपिंग कर सकते हैं और उसके उसके बैंक में से पैसे कट जाएंगे, यानी क्रेडिट कार्ड में से पैसे कट जाएंगे और वो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा और बिल उसको चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं या करते हैं नहीं करते हैं वो तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिसको इसके बारे में पता होगा वो कभी इसको ट्राई नहीं करेगा क्योंकि सामने वाले बंदे के अकाउंट में से अगर पैसे जाते भी हैं तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, केस करेगा, और केस करेगा तो पता चल जाएगा कौन से एड्रेस पर प्रोडक्ट गया हुआ है, तो वो पुलिस क्या करेगी, पकड़ लेगी। और कार्डिंग एक क्राइम है, अगर जो भी करता है तो मान के चलो 4-5 साल की उसको जेल भी हो जाएगी और नाम खराब होगा वो अलग से, और माँ बाप का नाम होगा वो खराब अलग से। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इस कार्डिंग में लोग फंसते कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर प्रोडक्ट तो देखे ही होंगे कि आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 10 ₹500 भरकर आपको 10,000 में मिल जाएगा। 70,000 वाला मोबाइल आपको 10,000 में जो भी प्रोवाइड करवाता है, या तो वो आपको क्लोन मोबाइल दे रहा है या तो फिर वो आपको पागल बना रहा है कार्डिंग के नाम पर, और वो आपको ऐसा ही बोलेगा कि इस प्रोडक्ट को हम आउट ऑफ कंट्री से मंगाने वाले हैं और ये प्रोडक्ट आपको जो 70,000 का है वो प्रोडक्ट आपको मैं 10,000 में दूंगा। अगर आपको बुक करना है तो आपको ₹500 एडवांस देने होंगे और मैं आपके प्रोडक्ट को बुक कर दूंगा। और जो सामने वाला हैकर होता है वो कस्टमर को इस तरीके से कन्विंस कर देता है कि कस्टमर उनकी बातों में फंस जाता है और ₹500 पे कर देता है कि ठीक है डन, मैं आपको ₹500 देता हूं, आप मेरे ऑर्डर को कन्फर्म कर दो। और जब वो ऑर्डर को कन्फर्म करता है तो क्या करता है पता है, वो किसी के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग नहीं करेगा, कैश ऑन डिलीवरी कर देगा और उसको स्क्रीनशॉट भेज देगा और बता देगा कि तुम्हारा ऑर्डर हो चुका है। और जैसे ही दूसरे दिन ऑर्डर निकल जाता है, सिप पर आ जाता है, यानी दूसरे नंबर पर ट्रैक पे पहुंच जाता है, तो वो क्या करेगा, कस्टमर को मैसेज करेगा या तो फिर कॉल करके बोलेगा कि आपका प्रोडक्ट शिप हो चुका है, यानी वहां से निकल चुका है, तो आपको 10,000 में से ₹5,000 हमको एडवांस पे और करने होंगे। ठीक है, तो कस्टमर को क्या लगता है कि चलो प्रोडक्ट तो आ ही गया है, कोई टेंशन नहीं है, तो वो ₹5,000 उसको और दे देता है। ठीक है, फिर जो हैकर होता है वो क्या करेगा, वो ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। ठीक है, कैंसिल करने के बाद फिर वो दबाव डालेगा कि हम आपके घर के पास पहुंच चुके हैं, आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंच गया है, अगर आपको अपना प्रोडक्ट चाहिए तो आपके जो ₹5,000 हैं वो भी हमें पे कर दो, जैसे हम आपके पास पहुंच जाएंगे और आपका मोबाइल आपको दे देंगे। और इसमें कस्टमर अगर समझता है तो ठीक है, उसको पकड़ता है तो ठीक है, पर उसको अगर समझ में नहीं आया, उसके दिमाग में अभी भी भूत चढ़ा हुआ है कि मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, ₹5,000 और उसको सेंड कर देगा।
ओके, फिर भी हैकर लोग शांत नहीं बैठते, वो और भी ट्राई करते हैं। फिर क्या बोलेंगे कि आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है, जो जितना भी उसका टैक्स लगा है वो 3-4 हजार टैक्स रुपया आपको देना होगा। आप इसमें मेन बात होती है कि कितने भी लोग होंगे, कोई भी होगा वो यहाँ पर समझ जाएगा, लेकिन जो नहीं समझता वो और 3,000 रुपये पे कर देगा। और अगर वो समझ गया कि ये मुझे पागल बना रहा है, फिर आप जब उनसे बोलोगे कि आपने मुझसे झूठ बोला, आप मेरे पैसे वापस दे दो, तो वो क्या करेगा, आपके फ़ोन को कट कर देगा और ब्लैकलिस्ट में डाल देगा, आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देगा, इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर देगा, हर जगह से आपको ब्लॉक कर देगा। फिर आप जाओगे बैंक में कंप्लेन करोगे, पुलिस स्टेशन में जाओगे, लेकिन आपका फिर कोई काम नहीं होता है, और जो भी आपका 10,000-15,000 रुपया चला गया, फिर वो आपको कभी भी रिफंड नहीं मिलेगा। ये गलती किसकी है, हैकर की गलती है या हमारी गलती है? ये हमारी गलती है, जबकि हमको पता है कि 70,000 वाला मोबाइल 10,000 में कभी नहीं आ सकता, फिर भी लोग लालच में फंस जाते हैं और 500 रुपये देकर एडवांस में बुक करवा लेते हैं, और वो 5,000-5,000 रुपये कर जाने 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपये कस्टमर से खींच लेते हैं, और फिर वो क्या करेंगे, सर पे हाथ रखकर घर पे बैठेंगे कि ये क्या हो गया। इसलिए कहते हैं कि जितनी बादाम खाने से अकल नहीं आती, लेकिन जब लात पड़ती है ना, तब अकल आ जाती है। तो मैं आप लोगों से पहले ही बोल देना चाहता हूँ, अलर्ट कर देना चाहता हूँ कि आपके साथ कभी भी ऐसा हो तो अलर्ट हो जाना। अगर उस बंदे को कार्डिंग आती होगी तो वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसको पता है कि कार्डिंग से प्रोडक्ट आता है तो वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब किसी के अकाउंट में से पैसे निकलेंगे तो जिसका क्रेडिट कार्ड, उसको तो पता चलेगा ना कि मेरे बैंक में से पैसे गए हैं, तो वो कंप्लेंट करेगा, तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से एड्रेस पर वो लोगों ने प्रोडक्ट को मंगवाया है, तो वो पुलिस जाकर पकड़ लेगी। इसलिए कार्डिंग लोग नहीं करते, क्योंकि इसको क्राइम माना गया है, अगर कोई करता है तो उसको जेल हो जाएगी। इसीलिए लोग क्या करते हैं, कार्डिंग की नॉलेज लेते हैं और पागल बनाकर सोशल मीडिया से पैसा कमाते हैं। तो जो आपको ध्यान में रखना है और अलर्ट रहना है, ये वीडियो अभी तक कभी भी किसी ने नहीं बनाई है, लेकिन मैंने जो पढ़ा, मैंने देखा, क्योंकि बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो मेरे नज़र में भी आते हैं, मैंने कई लोगों से बात भी की है, वो मुझे इस तरीके से कन्वेंस करते हैं जैसे कि वो मुझे 50,000 वाला मोबाइल 10,000 में दे ही देंगे, और वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस जंजाल में फंस सकते हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना और अलर्ट रहना। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे आपके भाई बहन हो, फैमिली हो, आपका ग्रुप हो, उनको सबको पता चल पाए कि ऑनलाइन कार्डिंग नाम का भी एक फ्रॉड होता है, जिसमें लोग आपको पागल बनाकर पैसे कमाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे इसके बारे में सबको पता चल पाए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।